आपको पता है आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 26th of October, तो उस एग्जाम को जाने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, अभी भी किया नहीं होगा तो अगर आपको ये पता नहीं है तो फ्यू पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो आपको सबको पता है कि टोटल मार्क्स इज 100 मार्क्स का पेपर होगा, सभी एक्सटर्नल पेपर आपके 6 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। उसमें पासिंग होता है 40 मार्क्स का, इसमें आपको कोई भी ग्रेस मार्क्स मिलने वाला नहीं है। अगर आप कॉलेज का एग्जाम देते हो, FY SY में आपने एग्जाम दिया होगा, सो एज पर कॉलेज रूल कॉलेज आपको 10 मार्क्स ग्रेस देता है और उसी भरोसे पे आपको अगर 30 मार्क्स भी मिला तो 40 पे आप लोग पास हो जाते हो। लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको ये कोई ग्रेस मार्क्स मिलने वाला नहीं है, इसका मतलब ये 40 मार्क्स आपको अपने दम पे स्कोर करना पड़ेगा। सो कीप दैट इन माइंड, आपको 40 मार्क्स मिलना ही चाहिए एट एनी केस। तो 100 में से 40 मिलने के लिए ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने 40 मार्क्स का पेपर लिखा आपको 40 out of 40 मिल गया, या फिर 50 का लिख के आपको 40 मिल गया। तो कम से कम चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या फिर थ्योरी सब्जेक्ट हो, सेफर साइड अगर आपको 40 मार्क्स चाहिए तो आपको कम से कम मेरे ख्याल से 70-80 मार्क्स का पेपर तो लिखना ही पड़ेगा। 80 इज सेफ मार्जिन, 80 मार्क्स का पेपर लिखोगे तो यू कैन एज्यूम कि 50% अगर कुछ रॉन्ग हो गया तो आपको ये 40 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड, 40 मार्क्स मिलना ही चाहिए, ठीक है, कोई हेल्प होने वाला नहीं है। नेक्स्ट केस इज ये कंप्यूटर के लिए लिखा है, जैसे ये 40 मार्क्स मैंने बोला, 100 जो आपके 5 पेपर्स है वो 100 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है, एंड 40 मार्क्स पासिंग है। कुछ बच्चों को कंप्यूटर ये सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। सो कंप्यूटर को पासिंग इज, आप अगर पैटर्न देखोगे तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैटर्न होता है उनका। आपका जो इंटरनल है प्रैक्टिकल, वो बहुत से कॉलेजेस में अभी हो चुका होगा ऑलरेडी जिनको कंप्यूटर है, तो 25 मार्क्स का होता है। एंड आपका जो फाइनल पेपर है जो कॉलेज में होने वाला है, सबको पता होगा 2 पेपर आपके कॉलेज में होते हैं, इनफैक्ट 3 सब्जेक्ट के होते हैं, बट आपको ये ऑप्शनल दिया जाता है, टैक्स, एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड कंप्यूटर। तो ये 3 पेपर आपके खुद के कॉलेज में होने वाले हैं, बाकी के पेपर का आपको सेंटर लगेगा। हो सकता है आपको अब तक हॉल टिकट मिलके आपको सेंटर भी पता चल गया होगा। तो कंप्यूटर की बात रह जाती है, सो कंप्यूटर का पेपर एक्सटर्नल होता है 75 मार्क्स का, जो कॉलेज में पेपर होने वाला है वो भी 75 मार्क्स का होगा। 2 hours and 30 minutes का उसको टाइम दिया जाता है, जहाँ के बाकी पेपर्स का टाइम होता है 3 hours। सो 75-25 विल बी पैटर्न। तो कंप्यूटर का पासिंग जो है आपको प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स, मोस्ट ऑफ ऑल कॉलेजेस गिव दिस 10 मार्क्स, ओके, फेल नहीं करता कोई भी। लेकिन जो आपका कंप्यूटर का है एक्सटर्नल पेपर जो आपको लिखना है, ठीक है, 75 में से 30 का पासिंग है। सो ये 30 आपको मिलना ही, इंडिविजुअल पासिंग। कुछ बच्चों को लगता है यहाँ पे 25 में से 20 मिला, यहाँ पे 75 में से 20 मिला तो हो गया 40, हम लोग पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कीप दैट इन माइंड, ये इंडिविजुअल पासिंग है, 30 एंड 10 इसमें इंडिविजुअली आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो यही बताना था, तो टारगेट करना आपको 40, ज्यादा मिलेगा तो अच्छी बात है, बट कीप दैट इन माइंड कि KT वगैरह कुछ लगना नहीं चाहिए। और अभी भी आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा, अभी भी आपके पास टाइम है, 26 को एग्जाम चालू होने वाला है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो कि हम लोगों ने कुछ वीडियो तो ऑलरेडी बना के रखे हैं, कुछ वीडियोस एग्जाम के दौरान आपको देखने को मिलेंगे जिसका आपको एग्जाम में डेफिनेटली फायदा हो, ठीक है। प्लीज फॉलो भागवेश्वर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे वीडियो शेयर करो।